देखिए M2 का 7th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यू नो फ्रेंड्स, फ्रॉम M2 के लिए 7th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड फॉर रेगुलर पीरियड्स, बट यहां पर ये होल चैप्टर है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर विल बी इंक्लूडेड हियर. देख लो दोस्तों, ये पीरियड नंबर 1. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू क्या है दोस्तों, इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज x1, x2, x3 एंड अप टू xn, देन ईच xi वी असाइन, यानी 1, 2, 3 नंबर है, x1, xi यानी x1, x2, x3 अप टू क्या है दोस्तों xn. तो ये है हमारे लिए रैंडम वेरिएबल x, यानी x वैल्यूज x1, x2, x3 अप टू xn. तो यहां पर है i इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n. देख लो दोस्तों, इज प्रोबेबिलिटी ऑफ xi सच दैट, क्या होना दोस्तों, ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी कंपल्सरी कैसा होना, 0 से 1 तक, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी कंपल्सरी क्या होना, फ्रॉम 0 से कहां तक दोस्तों, 1 तक, यानी pi कंपल्सरी लाइज बिटवीन 0 टू 1. पर फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड वन क्या है दोस्तों, ये सम ऑफ pi यानी समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, क्या है दोस्तों, सम ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई इक्वल टू क्या है दोस्तों, समेशन ऑफ पी आई आई इक्वल टू 1 टू n, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, जो भी प्रोबेबिलिटीज है ना उन सब का एडिशन कितना होगा दोस्तों, 1 होगा. देन तो ये है हमारे लिए प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई. तो ये है कंडीशन फंक्शन पी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो ये जो फंक्शन है इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ये सिर्फ दोस्तों डिफिनेशन है, प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे दोस्तों. हाँ, तो पीरियड नंबर 1 के लिए प्रॉब्लम्स देख लो दोस्तों. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ दोस्तों. होमवर्क और ये पीरियड के क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू. देख लो फ्रेंड्स क्या है ये. तो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, ये पीरियड सॉल्व, पीरियड देखते समय क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चंस मस्ट भी तुम्हारे साथ होना दोस्तों. जो मैंने पीडीएफ आपके साथ आपके लिए प्रोवाइड किया है वो तुम प्रिंट ले लो, तो फिर मोबाइल में कॉपी ले लो उसका. देखो फ्रेंड्स, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी रिगार्डेड एज पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल. क्या है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी रिगार्डेड एज PMF फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं. देख लो दोस्तों, हाँ देख लो फर्स्ट वन, ये कंडीशन देख लो सबके लिए दोस्तों. हाँ क्या है सेंस, हाँ कंडीशन देख लो दोस्तों, PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल. देख लो दोस्तों कंडीशन, रैंडम वेरिएबल शुड बी सेटिस्फाइड, यानी पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. देख लो दोस्तों, शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, देख लो दोस्तों द फॉलोइंग कंडीशन. फर्स्ट वन क्या है दोस्तों, कंपल्सरी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन क्या है दोस्तों, 0 टू 1. और सेकंड वन दोस्तों, ये सबका एडिशन जो है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज कंपल्सरी कितना होगा दोस्तों, इक्वल टू 1. तो ये है हमारे लिए दोस्तों, ये है कंडीशन दोस्तों. देन ये फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए देख लो फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन यहां पर ड्रॉ करूंगा. देख लो x इक्वल टू x, पी ऑफ x इक्वल टू x, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0.1, देख लो दोस्तों 0.5, 0.2, -0.1, अब ये 0.2 है दोस्तों. हाँ
देख लो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कंपल्सरी देख लो दोस्तों। हाँ, फर्स्ट के लिए क्या है, ये एक्स है, एक्स टेक्स वैल्यू और ये प्रोबेबिलिटी है, ईच प्रोबेबिलिटी दोस्तों 0.1, 0.5, 0.2, ये -0.1 है ना, ऐसा है दोस्तों। यू कैन टेक हियर क्या ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 -0.1 है ना दोस्तों, ये ऐसा होता है लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 लेकिन प्रोबेबिलिटी कैसा होना, बट हमें क्या होना, ये कंपल्सरी क्या होना दोस्तों, 0 to 1 में होना है ना, यानी यानी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होना ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर पी है ना, पी ऑफ एक्स कांट बी ग्रेटर देन एक्स है ना, देयरफॉर पी ऑफ एक्स कांट बी ग्रेटर देन एक्स, देख लो दोस्तों, कांट बी रिगार्डेड एज PMF रैंडम वेरिएबल एक्स। तो ये है फर्स्ट वन दोस्तों, बहुत बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देन सेकंड के लिए आओ फ्रेंड्स, सेकंड के लिए देखो क्या है, ये फॉर सेकंड वन देखो फ्रेंड्स क्या है, फॉर सेकंड के लिए फॉर सेकंड वन दोस्तों क्या है, ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/3 ये 0 एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 अदरवाइज है दोस्तों, देख लो ये है सेकंड वन। सेकंड के लिए क्या है दोस्तों, देयरफॉर हम टेबल ले सकते हैं दोस्तों, यू कैन टेक टेबल, ऐसा टेबल दो एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है दोस्तों, देन एक्स यानी और 1, 2, 3 है दोस्तों। हाँ क्या है फ्रेंड्स, ये दूसरे के लिए भी कंपल्सरी, पहली इसके दोस्तों कंपल्सरी प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1 और सबका एडिशन क्या होना दोस्तों, इक्वल टू कंपल्सरी 1 होना। देखो दोस्तों क्या है, 1 - 1 क्या है दोस्तों, एक्स का वैल्यू 1, 1 - 1 यानी 0, देन 2 के लिए 2 - 1, 2 ले लो दोस्तों, 2 - 1 यानी 1/3, देन ये 3 है दोस्तों, 3 - 1 यानी क्या है 2/3। तो ये है दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए प्रोबेबिलिटी टेबल है ना, प्रोबेबिलिटी टेबल दोस्तों। कंपल्सरी क्या है दोस्तों, क्या क्या है हमारे लिए, पी आई कैसा है 0 और इसमें 1 है ना, 0 और 1 के बीच में है, कंपल्सरी है 0, 1/3, 2/3 यानी 0 और 1 के बीच में, ये पहला केस। दूसरा केस दोस्तों क्या है, ये पी आई, पी आई यानी क्या है दोस्तों, क्या ये 1 के लिए P1 + P2 + P3 कितना है दोस्तों, 0 + 1/3 + कितना है 2/3 है ना, ये सब प्रोबेबिलिटी का एडिशन देख लो फ्रेंड्स है ना, समीशन ऑफ पी आर आई इक्वल टू 1 to n ये नहीं लिया चुप तो भी चलेगा दोस्तों। अब पी आई यानी आई इक्वल टू 1 to n P1 + P2 + P3 इक्वल टू क्या है, 3/3 यानी 1। देयरफॉर द गिवन फंक्शन है ना, द गिवन फंक्शन पी ऑफ एक्स कैन बी रिगार्डेड एज है ना, कैन बी रिगार्डेड एज द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। देखो दोस्तों, देयरफॉर क्या है, ये P of X can be regarded as PMF of random variable X। ये है हमारे लिए ये सेकंड वन फ्रेंड्स, देख लो ये सेकंड वन क्वेश्चन है, बहुत यानी बहुत इजी है, देख लो थर्ड वन नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है दोस्तों, जो थर्ड वन देख लो, एक्स इक्वल टू एक्स 0, 1, 2, 3 दोस्तों, देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 0.5, 0.2, 0.3
0.18, 0.1 है दोस्तों ये वेट लॉस क्या है ये हियर फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों 0.5, 0.2, 0.1 है यहाँ पर कंपल्सरी दोस्तों PI greater than equal to 1 सेकंड वन क्या है दोस्तों देख लो सम ऑफ PI समेशन ऑफ PI है हाँ पहला क्वांटिटी 0.5 दोस्तों सेकंड वन 0.5 ऐसा भी ले सकते हैं दोस्तों आप P1, P2, P3 है हाँ x = 0 ये P3 और ये P4 दोस्तों i = 0 के लिए क्या है फर्स्ट वन 0.5, 0.2, 0.18 और 0.12 दोस्तों हाँ क्या है ये देख लो 8 + 2 = 10 यानी 1 = 1, 2, 3, 4, 5 है ना ये 5 = 10, 1.0 है दोस्तों therefore p of x can be regarded as therefore क्या है दोस्तों p of x can be regarded as PM of दोस्तों कंडीशन देख लो हाँ कंपल्सरी प्रोबेबिलिटी ऐसा है 0 और 1 के बीच में है प्रोबेबिलिटी कंपल्सरी 0 और 1 के बीच में है और कंपल्सरी क्या है सबका एडिशन कितना है दोस्तों 1 है यानी therefore p of x can be regarded as PMF of random variable PMF of random variable x तो दोस्तों ये है थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ये जो क्वेश्चन है 1 और 2 मार्क्स के लिए भी नहीं चैप्टर 5 मार्क्स के लिए है दोस्तों यानी कंपल्सरी में टू सॉल्व ये चैप्टर के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है हा? देखो देन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन यानी फोर्थ वन दोस्तों नेक्स्ट यानी फोर्थ वन देख लो फ्रेंड्स ये थर्ड के बाद फोर्थ के लिए आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हाँ फोर्थ के लिए फ्रेंड्स देखो क्या है ये P of x = x - 2/5 देन x = 1, 2, 3, 4, 5 अदरवाइज 0 है अदरवाइज 0 दोस्तों देखो हाँ सेम क्वेश्चन है देख लो हाँ क्या है फ्रेंड्स देखो ये है तुम्हारे लिए फोर्थ वन x = x p of x = x दोस्तों हम प्रोबेबिलिटी ये टेबल देख लो फ्रेंड्स क्या हो सकता ये 1, 2, 3, 4 और 5 है दोस्तों 1 माइनस 2 क्या है दोस्तों -1/5, 2 - 2 = 0, 3 - 2 = 1/5, 4 - 2 = 2/5, 5 - 2 = 3/5 है दोस्तों तो हो सकता है ये क्या है दोस्तों यहाँ पर कंपल्सरी देख लो P of x = 1 कितना है दोस्तों 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है -1/5 ये डजंट बिलोंग्स टू दोस्तों है ना ये जो है डजंट बिलोंग्स टू क्या है 0 to 1 दोस्तों इसमें नहीं है डजंट बिलोंग्स टू 0 to 1 देयरफॉर क्या है दोस्तों P of x कांट बी रिगार्डेड एज PMF रैंडम वेरिएबल x दोस्तों तो ये है फोर्थ क्वेश्चन फॉर इन द सेम वे फिफ्थ और सिक्स्थ तुम्हारे लिए दोस्तों होमवर्क है और देन हम यहां पर सॉल्व करेंगे सेवंथ और एट्थ दोस्तों सेम टाइप में 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दोस्तों देन न्यू क्वेश्चन फॉर यू दोस्तों देख लो न्यू क्वेश्चन फॉर यू देख लो फ्रेंड्स न्यू क्वेश्चन तुम्हारे लिए
सेवंथ वन। फर्स्ट फोर क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करके बताए थे, फिफ्थ और सिक्स्थ होमवर्क, देन सेवंथ वन आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर सेवन देख लो फ्रेंड्स क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए थ्री बैलेंस्ड कॉइंस आर टॉस्ड, क्या है दोस्तों, थ्री बैलेंस्ड कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली इफ यस डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, क्या है दोस्तों, इफ यस डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यस, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों होना है। देख लो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी टेबल दोस्तों। हाँ क्या है वेन, हाँ देख लो दोस्तों, हाँ थ्री बैलेंस्ड कॉइंस आर टॉस्ड, थ्री बैलेंस्ड कॉइंस आर टॉस्ड, देन द सैंपल स्पेस, देन द सैंपल स्पेस दोस्तों मालूम है सैंपल स्पेस यस इज, हाँ क्या है गिवन बाय, क्या है दोस्तों यस यानी यू नो, हाँ तीन थ्री पॉइंट है दोस्तों, ये ट्रिपल एच, देन एच एच टी एच टी टी, ये टी 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 दोस्तों, देन टी एच एच टी टी एच है दोस्तों, टी एच टी और एच टी एच है दोस्तों। देख लो दोस्तों एक कॉइन टॉस करने के बाद कितने रिजल्ट है, दो हेड और टेल, जब थ्री कॉइंस टॉस यानी टू रेस टू थ्री कंपल्सरी दोस्तों, यू विल गेट एट रिजल्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, है दोस्तों। तो ये है हमारे लिए सैंपल स्पेस। हाँ क्या होना दोस्तों, हमें नंबर ऑफ हेड्स होना है ना, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, क्या है दोस्तों देख लो, हाँ एक्स डिनोट्स, हाँ एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, देख लो फ्रेंड्स एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, देयरफॉर एक्स टेक्स वैल्यूज कितने दोस्तों, एक्स टेक्स वैल्यूज, हाँ क्या है दोस्तों हेड कितना हेड है, तीन हेड है, यहाँ पर दो हेड है, एक हेड है, यहाँ पर एक भी हेड नहीं, यहाँ पर दो हेड, यहाँ पर एक हेड, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यानी कैसे दोस्तों वैल्यूज जीरो वन टू एंड थ्री, देयरफॉर दोस्तों पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, हाँ कितनी बार दोस्तों है ना जीरो हेड, यानी यहाँ पर एक भी हेड नहीं है दोस्तों, यानी वॉट वन बाय थ्री, हाँ देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, एक हेड कहा है दोस्तों, एक हेड यानी वन हेड, यहाँ पर वन हेड और दोस्तों यहाँ पर वन हेड, ये तीन है, यानी क्या है दोस्तों सॉरी कितना ये सॉरी यार नंबर ऑफ यस कितना है, एट है, कितना है दोस्तों वन बाय एट, सॉरी देख लो हाँ एक्स इक्वल टू वन, ये वन है, एक बार है, दो बार है और ये तीन बार है, यानी क्या है दोस्तों थ्री बाय एट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, दो हेड कहाँ पर दोस्तों दो हेड, हाँ देख लो दो हेड, ये दो हेड है, ये यहाँ पर दो हेड और यहाँ पर दो हेड, वन टू थ्री, यानी कितना है दोस्तों थ्री बाय एट और पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री, यानी तीन हेड दोस्तों है, तीन हेड ये कंपल्सरी यहाँ पर है वन बाय एट। तो ये है दोस्तों, तो ये तुम्हारे लिए ऑल द प्रोबेबिलिटीज, देन हमें क्या होना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स है दोस्तों। देख लो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी टेबल दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये टेबल ड्रॉ करना, क्या है एक्स इक्वल टू एक्स, हाँ जीरो एक्स की वैल्यू जीरो, वन टू और ज्यादा से ज्यादा कितना है दोस्तों थ्री है, ये कंपल्सरी देख लो दोस्तों, हाँ जीरो के लिए प्रॉब्लम कितना है दोस्तों वन बाय एट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, देन वन कहां पर है थ्री बाय एट, ये टू कहां पर है ये थ्री बाय एट और ये थ्री बाय थ्री कहां पर है वन बाय एट है। ये है दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स दोस्तों। हाँ ये है सेवंथ वन दोस्तों, देन एट वन लास्ट वन क्वेश्चन देख लो, और ये सेम वे नाइन्थ और टेंथ विल बी होमवर्क फॉर यू,
अगर कुछ डाउट है, होमवर्क पॉसिबल नहीं, तो तुम मुझे इंस्टेंटली मैसेज करते जाओ, आई विल प्रोवाइड यू प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दोस्तों। एट्थ वन दोस्तों, सिर्फ दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर के दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट वन क्या है हमारे लिए दोस्तों, एट्थ वन देख लो, डिटरमाइन के। एट्थ वन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट, हमें डिटरमाइन के इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पीएमएफ। देख लो दोस्तों, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, के इंटू क्या है ये फोर एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर दोस्तों, इक्वल टू क्या है जीरो, अदरवाइज जीरो। ये दोस्तों क्या है, ये डिटरमाइन के फाइंड करना है, सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। दोस्तों देखो, देयरफॉर क्या है दोस्तों, ये हमारे पास गिवन है, तो फिर क्या हो सकता है, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए क्या है दोस्तों, के इंटू ये जीरो, जीरो जीरो यूनिट यानी वन टाइम दोस्तों, दोनों वेरिएबल, ये क्या है के इंटू क्या है दोस्तों, फोर सी जीरो, फोर सी जीरो, जीरो यानी वन यूनिट, वन यूनिट ये वन, ये टू, ये सेकंड यूनिट, ये थर्ड यूनिट, ये फोर्थ यूनिट, ये फिफ्थ यूनिट, ये क्या है दोस्तों, के इंटू वन यानी के। देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन दोस्तों, के इंटू फोर, ये जो है दोस्तों, ये जो है ना, इसको ऐसा ले सकते हैं आप, फोर और ये वन, यानी व्हाट, के इंटू फोर सी वन, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला शॉर्टकट है दोस्तों, आप ये ब्रैकेट में फोर फोर वन यानी व्हाट, फोर सी वन, हाँ के इंटू क्या है फोर बाय वन, वन है ना, फोर बाय वन यानी फोर के, हाँ देन देख लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, हाँ के इंटू क्या है दोस्तों, फोर और ये टू है, फोर और ये टू यानी क्या है दोस्तों, के इंटू फोर सी टू, के इंटू फोर सी टू कितना होता दोस्तों, ये हाँ के इंटू फोर है, टू है ना, टू है तो क्या करना, फोर इंटू थ्री यानी एक नंबर नीचे उतरना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, टू है ना, तो टू नंबर होना, बाय वन इंटू कितना है ये दोस्तों, ये टू टू का कितना था ये सिक्स के, देन पी ऑफ एक्स इक्वल क्या है दोस्तों, थ्री है, के इंटू फोर और ये थ्री इतना होता है, के इंटू क्या है दोस्तों, ये फोर है दोस्तों, ये फ्रेंड्स देख लो, ये फोर सी थ्री यानी वॉट, के इंटू फोर, थ्री है नीचे, फोर इंटू थ्री इंटू टू बाय वन इंटू टू इंटू थ्री, ये कैंसिल दोस्तों, कितना आ रहा है फोर के आ रहा है, देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर दोस्तों, क्या है ये, हाँ के इंटू फोर फोर है, के इंटू फोर सी फोर, फोर फोर कैंसल यानी वन दोस्तों, ये के है, तो ये है हमारे लिए ऑल द प्रोबेबिलिटी है, क्या ये मास फंक्शन है, सिंस पी ऑफ एक्स, हाँ देख लो फ्रेंड्स, हाँ सिंस क्या ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज द पी एम एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी क्या है दोस्तों, यू नो वेरी वेल समेशन ऑफ पी आर इक्वल क्या है दोस्तों, कंपल्सरी होना दोस्तों, हाँ क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वालिटी क्या है के, ये फर्स्ट वन के, सेकंड क्या है दोस्तों फोर के, थर्ड क्या है ये सिक्स के, देन क्या है दोस्तों फोर के और प्लस के इक्वल टू वन, कितना होगा दोस्तों, ये फाइव वही फाइव टेन प्लस सिक्स यानी सिक्सटीन के इक्वल टू वन, यानी के इक्वल टू वन बाय सिक्सटीन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ये है एट वन, देन नाइन्थ और टेन्थ फॉर फर्स्ट पीरियड के लिए होमवर्क, आफ्टर टेकिंग अ क्लोज ग्लांस फॉर पीरियड वन दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से पीरियड देख लो, बाद में होमवर्क सॉल्व करो, कुछ डाउट प्रॉब्लम है तो यू कैन सेंड मी मैसेज ऑफ अ प्रॉब्लम नंबर।
देन आई विल सॉल्व फॉर यू। दोस्तों ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।